आज से हमारे हिमाचल प्रदेश फूड सीरीज़ की शुरुआत हो रही है और हम लोग ने कल रात में दिल्ली के मॉडल टाउन से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। लगभग 6 बजे, 1 बज गए हमें रोपड़ पहुँचते हुए। रात में हमने यहीं पर हॉल्ट लिया जिस ढाबे पर हम लोग बैठे हुए हैं, जगह का नाम भरतगढ़ है। और अभी सुबह हम लोग दोबारा से अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले पंजाबी ढाबे में बैठे हैं तो पराठा तो खाना ही है, तंदूरी पराठा मंगवाया है वो भी आलू का, और साथ में मक्खन है, फुल दूध में पकी हुई चाय। पंजाब के किसी भी आप ढाबे में चले जाएं, आपको तवे का पराठा और तंदूरी पराठा खाने को मिलता है। सबसे बेसिक जो होता है वो आलू का है, आलू प्याज पनीर या मिक्स या लच्छेदार, जो पराठा आप खाना चाहें बिल्कुल मुनासिब दर पे मिल जाता है। 50 रुपये का सिर्फ ये पराठा है। प्लेन आलू की स्टफिंग, कसूरी मेथी, अजवाइन का बहुत ही उम्दा जायका। सतनाम श्री वाहेगुरु। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए श्री अनंतपुर साहिब जी गुरुद्वारे में। चलिए अब चलते हैं, काढ़ा प्रसाद चखते हैं और फिर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये शॉप मैं देख रहा हूँ 1962 से यहाँ पे है जी। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्पेशल मिलती है खाने को? स्पेशल चना भटूरा है, चना समोसा भी है, बाकी पनीर पकौड़े भी है जी, और स्पेशल जो हमारा है वो बेसन है जी, बेसन बर्फी। ये क्या होता है, बेसन बर्फी को बेसन बोलते हैं? बेसन बर्फी, हाँ बेसन बर्फी बोलते, बेसन ही बोलते हैं, बेसन बर्फी ही बोलते हैं। आपके और भी आउटलेट्स हैं पुणे में हमारे? हाँ, नंगर रोड पे है ये, पुराना वाला है? पुराने वाला यही है, शुरुआत है, शुरुआत यहीं से। अब मैं देख रहा हूँ अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो पुराने पुराने दुकान की है। अब पूरा सारा मॉडर्न हो गया, थोड़ा समय के हिसाब से बदल गया। तो सर हमारे लिए एक प्लेट पूड़ी छोले लगवा दीजिए और एक प्लेट बेसन खाएंगे, बेसन की बर्फी। बेसन की जो ये पूड़ी देख रहे हैं आप, बिल्कुल पफ्ड, उसके बाद छोले हैं और दही है और प्याज है। आइए अब इसका जायका लिया जाए। थोड़े छोले, दही और प्याज। इस पूड़ी छोले के जायके की बात की जाए तो जो पूरी है इसमें आपको भटूरे का मज़ा भी है, पूरी का मज़ा भी है, क्योंकि जो तैयार किया जाता है इसमें 50% आपका गेहूं का आटा भी होता है, मैदा भी होता है, उसके बाद थोड़ा ईस्ट डालते हैं ताकि थोड़ा फूल के बने, और इसमें कोई अंदर स्टफिंग नहीं है, सादी पूरी है, क्रिस्प भी है, फ्लफी भी है। छोले हल्के मसालों के साथ तैयार, दही के साथ खाने से इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। कई जगहों पे आपको छोले के साथ दही मिलती है या आलू की सब्ज़ी के साथ भी दही मिलती है, खासकर पूड़ी के साथ बहुत जगह देखी जाती है, भटूरे के साथ देखने को नहीं मिलेगी। भटूरे के साथ आपके पास आम का अचार होता है या फिर जो सीजन अचार होता है वो सर्व करते हैं। ये बेसन की बर्फी है। हल्की मीठी, मॉइस्ट है, अब मुंह में जाके बिल्कुल
भूल सी गई। थैंक यू। तो वीरेन जी, आपकी जो शॉप है कोल्ड कॉर्नर, कब से है यहाँ पे? 1968 से। तो आपके यहाँ सब कुछ है, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, सब कुछ है जी सर। हैं, साथ में ड्रिंक्स भी है? हाँ, ड्रिंक्स भी है, बार भी है, साथ में अटैच है। पीछे बार है, ऊपर रेस्टोरेंट है और नीचे भी रेस्टोरेंट है, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हाँ जी, हाँ जी। आते हैं, यहाँ पे खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं जी जी जी। स्वीट्स भी है, सब कुछ है जी जी। तो ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है क्लोज ओपन क्लोज? ये जैसे पेटीएम, गूगल पे और लगभग सभी बैंकों के जो ऐप है वो इसमें है, और हम इसको खोलते हैं। जैसे एक खोल दिया, दोबारा फिर क्लोज कर दिया, फिर दूसरा ओपन कर दिया, वो खोल दिया, फिर कंटिन्यूस एक में नहीं रखते हैं, थोड़ा थोड़ा सब में डिवाइड होता रहता है। तो ये हर रोज़ का बटा हुआ है कि आज संडे को ये खुलेगा, मंडे को खुलेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि इस रेस्टोरेंट का नाम कोल्ड कॉर्नर है, लेकिन हम जायका ले रहे हैं हॉट कॉफ़ी का। और इस रेस्टोरेंट में जैसे ही आप एंटर करेंगे, एंट्रेंस छोटा सा है, एक छोटी सी गैलरी है जहाँ पे बार बना हुआ है, इनका बार सेक्शन है। नीचे में सिटिंग अरेंजमेंट है, बार बना हुआ है। उसके बाद दो रेस्टोरेंट्स हैं बड़े बड़े से, एक ये टॉप फ्लोर पे बैठे हुए हैं, आप देखें बिल्कुल एकदम आलीशान रेस्टोरेंट है। और जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं वरिंदर जी, उनके रिकमेंडेशन पर हमने मंगवाया है चिली पनीर। पनीर के पीसेस के ऊपर कॉर्न फ्लावर लगा के डीप फ्राई किया, उसके बाद जो अपनी देसी चाइनीज़ ग्रेवी होती है उसके साथ शिमला मिर्च, बंद गोभी, सोया सॉस, केचप, ग्रीन चिली सॉस, वो सब मिला के इसको बनाया गया लटपट। आइए अब जायका लिया जाए। अपना देसी चाइनीज़ का जायका, पनीर के पीसेस बाहर से क्रिस्प हैं, अंदर से सॉफ्ट, थोड़ा मीठा है, केचप का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया, हल्का सा तीखापन है जो बिल्कुल लास्ट में आता है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा पनीर चिली। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर गुरसंगीत सिंह है। यहाँ पे ऊना में कई सारे इस नाम के ढाबे हैं जी? सर दो ढाबे हैं जो मेन ब्रांचेज हैं, एक तो पेट्रोल पंप के ऑपोजिट है जो पुराना ओल्ड बस स्टैंड होता था उसके सामने है, और दूसरा ये है वो 1974 का है और ये पाँच साल पुराना है। यहाँ पे आपने बिट्टू लिखा हुआ है, बिट्टू जी। और आपके ढाबे की क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं? सर सब कुछ स्पेशल ही है, सब फ्रेश बनाते हैं हम, रात तक हमारा सब ख़त्म हो जाता है, सुबह फिर फ्रेश बनाते हैं। बाकी पनीर की आइटमें कुछ हैं जो स्पेशल हैं, चीज़ चिली हो जाता है, कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला और कुछ आइटम है, दाल वगैरह, सब फेमस ही है हमारा। इस कढ़ाई में पकाया जा रहा है मिक्स वेजिटेबल, जिसमें गाजर, फूल गोभी, बीन्स, टमाटर, आलू, सभी चीज़ें हैं। ये हाफ कुक हो रहा है, इसके बाद फुल कुक किया जाएगा, फुल फ्राई किया जाएगा पनीर के साथ उस फ्राइंग पैन में। सोनू जी से हम सीखेंगे कि तंदूरी रोटी कैसे बनाई जाती है। इसको ऐसे आप हल्का तेल लगाओ, तेल लगाओ, अरे आपने तेल ज़्यादा लगवा दिया, रुको तेल लगेगा तो नहीं, यहाँ पे लगना है, यहाँ पे। यार मैं ख़राब हो जा रहा है मेरे से, रुको। चलो एक लास्ट ट्राई करता हूँ। इसको ऐसे लिया, हल्का सा तेल लगाया, तेल लगाया, इसको इसी से उठाया, इसको यहाँ पे उंगली चौड़ी करनी। हाँ, मेरे में आवाज़ क्यों नहीं आ रही? अभी आपने जब बनाना सीखा था तो कितना टाइम लग गया था आपको, बताओ मुझे? टाइम लग गया था। कितना समय लगा? 6 महीने लग गए। 6 महीने लग गया था ना, तो मैं एक दिन में कैसे सीख जाऊंगा? कोई बात नहीं ना आपको, लेकिन ये कि आप टेक्निक थोड़ी समझ में आई। ये रोटी बनी है मेरी, कोई नहीं, मैं अपनी रोटी नहीं खाऊंगा, मैं सोनू जी के हाथ की बनी हुई रोटी खाऊंगा।
क्विंटेसेंशियल डिश है ढाबे की, जो आप ढाबे में आके ऑर्डर करते हैं, दाल मखनी या दाल फ्राई, साथ में मिक्स वेजिटेबल जो हमने बनते हुए देखा। और ये भी एक काफ़ी डिस्टिंक्ट कलर होता है मिक्स वेजिटेबल का ढाबे में आपको जो देखने को मिलता है। और तंदूरी रोटी, हमने दाल मखनी मंगवाई है जो कि उड़द की दाल और राजमा के साथ तैयार की गई है। आम भाषा में लोग काली दाल जिसे कहते हैं वो काली दाल है, साथ में राजमा मिक्स है, प्याज टमाटर का तड़का लगा के और उसके बाद ऊपर से मक्खन डाला गया है, फिर तैयार हो गई दाल मखनी। अब मिक्स वेजिटेबल का जायका लिया जाए। चटपटा और मसालेदार। ऊना में आपको पंजाबी खाने का काफ़ी इन्फ्लुएंस मिलेगा क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करता है पंजाब से। इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा था, 1971 में अलग होकर इसे एक अलग राज्य बनाया गया, तो यहाँ के खाने में आपको अच्छा खासा पंजाबी फूड का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। बहुत ही उम्दा बुनियादी देसी जायका। मुझे मिक्स वेजिटेबल ज़्यादा दाल पसंद आई। गाढ़ी पकी हुई क्रीमी दाल। अच्छा गुरसंगीत जी, थैंक यू, खाना बहुत पसंद आया। शुक्रिया जी। साथ गगन कालिया जी हैं जो कि माँ चिंतपूर्णी मंदिर के पुजारी हैं, इनसे हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास और जो आज विशेष दिन यहाँ पे बनाया जा रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। जय माता दी। हमारे जो पूर्वज थे श्री बाबा महादास जी, वो माता के बहुत बड़े उपासक थे। यहाँ पर माता चिंतपूर्णी ने उनको जो है कन्या रूप में दर्शन दिए थे और यहाँ पर वो पिंडी रूप में विराजमान है, आप देख सकते हैं। और जैसा कि शास्त्रों के अनुसार ये चिंतपूर्णी जहाँ छिन्नमस्तिका धाम है, भक्तों ने नाम रखा है चिंतपूर्णी। जैसा कि आज आप लोग आए हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे अभी कितना उत्साह है पर श्रद्धालुओं में भी और पुजारियों में, जैसे कि मंदिर सजाया गया है। आज छिन्नमस्तिका जयंती है, कल छिन्नमस्तिका जयंती है, जो कि आज दिन रात हवन चलेगा और कल जो है इसकी पूर्ण आहुति होगी, उसके बाद कन्या पूजन किया जाएगा और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जय माता दी। टिक्की कुलचा, ये जो पूरी स्ट्रीट है चिंतपूर्णी मंदिर जाने तक की, इस स्ट्रीट पे आपको ये बहुत ही जगहों पे मिलेगा, ठेले पे मिलेगा। सबसे पुरानी दुकान कहते हैं ये है, इस दुकान का नाम बस लिखा हुआ है चिंतपूर्णी के मशहूर छोले और कुलचे। जिस कुलचे से हम दिल्ली वाले वाकिफ़ हैं, ये वो कुलचा नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश का कुलचा है जो कि बन से मिलता जुलता है। और इस कुलचे के अंदर में आपका एक आलू की टिक्की है, छोले हैं। अच्छे से इसको चारों तरफ फैला लेते हैं। बहुत टेस्टी है, हल्के मसाले, जो आलू की टिक्की बनाई गई है क्रिस्प है, कसूरी मेथी का बहुत उम्दा जायका है, साथ में माइल्ड स्पाइस्ड छोले हैं। जिस तरह से आप बन टिक्की खाते हैं उससे मिलता जुलता जायका। अच्छा सोनू जी धन्यवाद। पूरे इस सड़क पे एक ही दुकान है जहाँ लिखा हुआ है स्वादिष्ट खोए हुए कुल्फ़ी,
हर जगह स्पेशल कुल्फी है, खोए कुल्फी कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए आपके यहाँ रुक गए। थैंक यू सर। आप कुल्फी खिलाइए। असल कुल्फी तो यही है जो कि इस खांचे में बनाई जाती है, स्टिक कुल्फी, खोए वाली, पिस्ता बादाम के साथ, और इलायची भी डाले हैं। इलायची का अच्छा जायका आ रहा है। बढ़िया। कब से लगा रहे हैं दुकान आप? यहाँ 10 साल हो गया। 10 साल कुल्फी का काम? 13 से यहाँ पे काम करते हैं। कुल्फी का काम साल भर चलता है? सर्दी में भी लगाते हैं? सर्दी में जूस का काम करते हैं। जूस का? चलिए ठीक है मुन्ना जी। एक कॉम्बिनेशन हमने पीछे ट्राई किया था टिक्की और कुलचे का, यहाँ पे जायका ले रहे हैं छोले कुलचे का, और बड़ा अच्छा एक मतलब हैंडी ये डिश बन के तैयार हो गई है। आइए अब इसका जायका लिया जाए। बढ़िया बना सुनो जी, चटपटा, इजी टू ईट। गुजरात में जो हमने नान खाया है, जो नान चाप होता है तवे के डिशेस के साथ देते हैं, उससे मिलता जुलता टेक्सचर है इसका। तो मेरे लिए ये नान, बन और कुलचा तीनों ही है। चलिए सोनू जी धन्यवाद, जय माता दी। बिल्कुल फिर मिलेंगे कभी, जब भी बुलावा आएगा दर्शन के लिए तो दोबारा आएंगे। ठीक है, जय माता दी। आज अपनी जर्नी की शुरुआत सुबह रोपड़ से की थी, रास्ते में अनंतपुर साहिब गए, ऊना गए, चिंतपूर्णी मंदिर गए, और होटल अतिथि पहुंचने से पहले हमारा ये के लास्ट स्टॉप है चाय का, धोनी जंक्शन पे शर्मा पंजाबी ढाबा। जी सर, तो हमें सर अपने ढाबा के बारे में बताइए। सर ऐसा था कि ढाबा तो मैं यहाँ पर जो मुझे हो गई है 43 ईयर्स काम करते हुए, 62 साल मेरी उम्र है, तो ऐसा है कि ये जो टीम आई थी 19 अप्रैल 2010 को आई थी, इनकी फाइट फेल हो गई थी कांगड़ा में, इन्होंने जाना था चंडीगढ़, युवराज के घर में लंच था, लेकिन कारण बस फ्लाइट फेल में से बाई बस ही चले, वोल्वो बसें थी, 3 बसें थी, इसको भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो इससे को जो कांगड़ा में सिक्योरिटी मिली हुई थी हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी का ऑफिसर था, उससे उसने कन्फर्म किया कि मुझे भूख लगी और मैंने खाना खाना है, पूरी टीम ने खाना खाना है। तो सिक्योरिटी लेवल का जो आदमी था उसने ये बोला कि चलो यहाँ से 20 किलोमीटर शर्मा पंजाबी ढाबा है, वहाँ कन्फर्म करते हैं, अगर खाना होगा तो आपको मिल जाएगा, अच्छा खाना मिलेगा। तो सर ऐसा था कि पिछले दिन मैच था, मैंने पूरी रात काम किया हुआ था, जब यहाँ पर मैच होता था इतनी भीड़ होती है, बाहर से लोग भी आते हैं, तो मैं यहीं बैठा था दिन को, ढाई बजे टाइम था, यहाँ एक गाड़ी रुकी आकर, एक जो टीम थी वो यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे रोक दी गई कि पहले कन्फर्म कर जाता हूँ कि वहाँ पर खाना है या नहीं। तो जैसे मैं यहाँ, मुझे नींद आ रही थी क्योंकि मैंने पूरा रात काम किया था, दिन भी काम किया, मेरी एक दोस्त आए थे चंडीगढ़ से, वो उनका एक टेबल लगा हुआ था, उन्होंने कहा शर्मा जी खाना खाना है, मैंने कहा सर आओ बैठो वेलकम, बोलता नहीं मैंने नहीं खाना है, चेन्नई शुभ टिक्की में खाना है, वो 65 लोग हैं। तो सर मेरे तो 10 मिनट मेरे जो जमीन थी वहाँ से खिस गई थी, मैंने सोचा ये 5 स्टार छोड़कर कहाँ पर यहाँ पर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला और आज भी बोल रहा हूँ, मैं मेरे में इतना दम है कि मुझे आधा घंटा टाइम दो, मैं 500 आदमी को खाना खिला सकता हूँ, आधा घंटा टाइम दो। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है आपके। तो मैंने उस वक्त अपना फैसला लिया, ये भगवान हैं तो ये इंसान, जो मेरे पास बना मैं खिलाऊँगा इनको,
मैंने कहा सर वेलकम टू यू, स्वागत है, आप टीम को लाइए, खाना मिलेगा। ये जितनी मार्केट थी उस वक्त ये बंद हो गई थी, मार्केट के मैंने 10-15 आदमी बुला लिए थे काम करने के लिए। उन्होंने बोला कि शर्मा जी इतने बड़े आपके पास आदमी आए हैं तो हम भी आपकी मदद करेंगे। फिर क्या था सब अच्छे से हो गया, मतलब क्या खाया उन्होंने? मैं बताता हूँ ना, बात ऐसे है कि फिर खाना जब शुरू हुआ तो मेरे पास ऐसा था कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आज उस वक्त मैं एक पहाड़ी बकरे का मीट बनाता था कुछ 15 केजी डेली। तो रैना जी उठकर आ गए, रैना क्योंकि चेन्नई शॉपिंग का मेन हीरो था, वो बोलने लगा सर वो है भी यहाँ बैजनाथ के रहने वाले, उनके डैडी सर्विस करते हैं गाज़ियाबाद में, अब वो सेटल हो गए वहाँ, लेकिन रहने वाले हिमाचल के ही है वो, इनके गगल जहाँ आप जाओगे वहाँ उनके मामा जी की दुकान है बहुत बड़ी। तो उसने मुझे पूछा कि आप नॉन वेज में क्या खिलाओगे, मैंने कहा पहाड़ी बकरा बना हुआ है, बोलता पहले एक डिश भेजो, मैंने एक डिश खाई उसको, फिर वो पतीला ले गया उठाकर पूरा, बोलता ये मैं सर्व करूँगा, इसमें जो फॉरनर थे उन्होंने मटन नहीं खाया, जो मुथैया मुरलीधर था साथ में उसने बोला शर्मा जी मैं वैष्णो आदमी हूँ, मैं दाल चावल खाने वाला आदमी हूँ, बाकी सब लोगों ने खाया था। अब बनाते हैं बकरा? अब नहीं बनाता हूँ मैं, ऐसा हुआ कि अब यहाँ लोगों ने क्या किया कि सब लोगों ने मेरे बोर्ड लगा लिए हैं, ठीक है, इससे मैंने वैष्णो कर दिया अभी, अब ये मैंने नॉन वेज का ये खुला अलग से। अच्छा, ये शुद्ध शाकाहारी है, आज मैं मतलब 10-15 साल से मैंने इसको बिल्कुल डाइट कर दिया। तो ये ऐसा हुआ था, तब ये टीम आई थी, बहुत खुश हुआ था कि धोनी ने मुझे बुलाया, बोलता शर्मा आओ मेरे पास बैठो, बोलता खाना तो आपने ऐसा खिला दिया है, अगर मुझे दोबारा मौका आई पर खेलने का धर्मशाला मिला तो एक बार टीम से दोबारा फिर आऊँगा। लंच का टाइम होगा, ब्रेकफास्ट का सुबह 7:30 से परौंठे शुरू हो जाते हैं, 11 तक परौंठे लगते हैं, उसके बाद लंच चलता है। अच्छा, ठीक है, रात को मिलता है खाना, जब मर्जी आप आओ। चलिए पक्का, ठीक है सर। नमस्कार सर। नमस्कार, आइए, मेरा नाम सुयश है। अनुभव कैसे हैं? बढ़िया जी, स्वागत है आपका होटल अतिथि। थैंक यू। चमुंडा में? थैंक यू। कैसी रही आपकी जर्नी? बहुत ज़्यादा हेक्टिक रही एक तरह से। हाँ, आप टायरिंग रही? सुबह के निकले हुए हैं। सुबह के निकले थे रोपड़ से जी, और रास्ते में हम लोग चिंतपूर्णी मंदिर गए, अनंतपुर साहब गए, दर्शन हुए अच्छे आपके? दर्शन अच्छे हुए, काफ़ी समय लगा लेकिन अच्छे हुए। आज थोड़ा संडे के कारण रश होता है वहाँ पे, वहाँ पे कुछ फेस्टिवल भी है जो कल सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा, मेला लगता है जनरली वहाँ पे के लिए जी। आइए सर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट धर्मशाला कोतवाली बाजार में आपका स्वागत है। चाट पापड़ी काफी ट्रेडिशनल नाम है, मतलब आप सुनने को नहीं मिलता है, इसमें चटनी की आवश्यकता ही नहीं है, ये मोमो खुद में संपूर्ण है, एक अलग ही टेस्ट आ रहा है। लाइए ऋषु भैया, चाय लाइए हमारी। दीजिए सर। अरे क्या बात है, टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। हमारे साथ शेफ चाचा ब्रह्मानंद जी हैं, जिनसे हम बनाना सीखेंगे कांगड़ी खट्टा मीट।